जो भाजपा के अंदर गंदगी भरी हुई है कि हमारा कोई भी कैंडिडेट लड़े वो जीत जाएगा, मेयर का टिकट फिरोजाबाद से अगर राठौर समाज को नहीं मिला तो भाजपा को बहुत बड़ा खामियाना भुगतना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो। मेरी नज़र में समाजवादी पार्टी को इस बार किसी हिंदू प्रत्याशी पर दाव लगाना था और निश्चित ही भाजपा शिकस्त खाती और समाजवादी पार्टी विजयी होती। देखिए, हमारा मुस्लिम समाज गलत नहीं है, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों में जो भाईचारा है, लेकिन इन बीजेपी वाले लोगों ने इस कदर उनके दिल में जो मुस्लिम का खैर बोल दिया है, मात्र टैक्स के नाम पर, मात्र क्रॉस लाइट के नाम पर सही काम किया जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA न्यूज के स्पेशल सीरीज की इंटरव्यू में। दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो पहले भी कई बार फिरोजाबाद के विकास के लिए और तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में अपना समर्थन देकर, जनता से अपना अपील करके वो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। विधायकी का चुनाव रहा हो या कोई और चुनाव रहा हो, तमाम तरह से वो हमेशा जनता के साथ लगे रहते हैं। आज हमारे साथ हैं श्रीमान बबलू गोल्डी राठौर जी। गोल्डी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। ये जो चुनाव पहले हुआ, आपने विधायकी का चुनाव भी लड़ा, इस बार मेयर का चुनाव क्यों नहीं लड़ा? देखिए, मेयर का चुनाव ना लड़ना एक अपना रीजन था जी। मैं जब से राजनीति में आया हूँ, लगभग मुझे 23 साल का कैरियर हो गया, तो मेरा सबसे सिंपल उद्देश्य ये रहा कि मेरे समाज की जो राजनीतिक भागीदारी है वो बढ़े, और मेरा समाज जहाँ तक है कि राजनीतिक व्यापार में बड़ा है, अन्य क्षेत्रों में बढ़ा हुआ है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि कोई सा भी चुनाव हो वो खाली ना जाए और उसमें समाज का व्यक्ति पार्टिसिपेट करे और समाज का व्यक्ति चुनाव लड़े जी। उसी को देखते हुए इस बार मेरे समाज के बहुत सारे लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे थे मेयर की, तो उससे मेरा जो मकसद था वो पूरा हुआ, तो इसलिए मैंने उस चुनाव से लड़ने से बिल्कुल भी परहेज रखा और चुनाव नहीं लड़ा मैं। दूसरी बात ये आती है कि जिस तरीके से समाजवादी में हमारे समाज के लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे जी, कुछ लोग बसपा से, कुछ लोग भाजपा से तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि कोई भी दल, इतने बड़े समूह राठौर समाज का जो एक निर्णायक वोट है फिरोजाबाद का जी, उसको टिकट देना नहीं चाहता। और उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि हमारे समाज के लोग हैं वो भोले वाले लोग हैं, वो किसी के भी बहकावे में आकर जिस तरीके से वो लोग मोटिवेट करते हैं उस तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं, और उसका खामजा हमको इस तरीके से भुगतना पड़ता है कि कोई दल हमको टिकट देने को या टिकट मांगते हैं तो हमारे साथ छल करने का काम करते हैं। फिरोजाबाद की वर्तमान मेयर भी आपके ही समाज से आती हैं जी। तो देखिए, वर्तमान जो मेयर हैं उन्होंने जिस तरीके से फिरोजाबाद की दिशा और दशा बदली जी, मैं नहीं मानता कि अब तक आज़ादी से लेके अब तक फिरोजाबाद में इतना किसी ने भी विकास कराया हो। मेरे समाज की गौरव थी वो, उन्होंने जिस तरीके से समाज को, जिस तरीके से जनता को, जिस तरीके से नगर निगम में रहकर नगर निगम का काम किया, वो एक अपने आप में काबिले तारीफ है और मैं उनकी बार बार प्रशंसा, बार बार सराहना करूँगा। लेकिन बीजेपी में उनके साथ अच्छा नहीं किया और उनको टिकट ना देकर बहुत बड़ी भूल की है, जिसका खामजा आगामी चुनाव में जो अभी होगा उसमें उन भाजपा को झेलना पड़ेगा और उसका राठौर समाज डट के मुकाबला 2024 में फर्क पड़ेगा। 2024 डेफिनेटली, अभी हम ये मान लीजिए कि अगर राठौर समाज चाहे तो भाजपा के कैंडिडेट को बिल्कुल हरा देगा, जो भाजपा के अंदर गंदगी भरी हुई है कि हमारा कोई भी कैंडिडेट लड़े वो जीत जाएगा, अगर हो सकता है तो इस बार समाज, जो राठौर समाज है वो इस बार इनको आईना दिखाने का काम करेगा जी। तो वर्तमान में अभी जैसा देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने भी एक मुस्लिम को वोट, मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया है, और AIM भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम ही कैंडिडेट बन सकता है, कांग्रेस भी लेकर आ रही है, तो क्या लगता है कि हिंदू वोट बटेगा, मुस्लिम वोट बटेगा और हिंदू की बीजेपी की जीत होगी? देखिए, ये सारे दल जो भी हैं, क्षेत्रीय दल हों या अन्य दल हों, वो भाजपा से इतने भय खाए हुए हैं कि उनके डर की वजह से
उनके बिल्डोजर की वजह से, डर की वजह से वो अन्य हिंदू समाज के कैंडिडेट को नहीं उतारते हैं, मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को उतारने से ये साफ सिद्ध होता है कि वो भाजपा को जिताने का पूर्ण काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम समाज के जो भी कैंडिडेट आते हैं उससे साफ है कि फिरोजाबाद का चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा, और हिंदू मुस्लिम में हिंदू की आबादी ज़्यादा होने के कारण हिंदुत्व के नाम पर भाजपा ठगने का, वह अपने प्रत्याशी को बखूबी जिताने का काम करेगी। इसलिए मेरी नज़र में समाजवादी पार्टी को इस बार किसी हिंदू प्रत्याशी पर दाव लगाना था, और निश्चित ही भाजपा शिकस्त खाती और समाजवादी पार्टी विजयी होती। लेकिन पता नहीं उनके लोग राजनीतिक कैसे, समाजवादी पार्टी से आप बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर जफर आलम कोशिश कर रहे थे जी, और वो अगर शायद आते तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का वोट उनको मिलता। देखिए जफर आलम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की खाई खोद दी है तो उनके आने से भी हमको इतना लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो फैक्ट है, देखिए हमारा मुस्लिम समाज गलत नहीं है, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों में जो भाईचारा है, जिस तरीके के मुस्लिम समाज के लोग हिंदू मुसलमान की एक मिसाल है फिरोजाबाद में, लेकिन इन बीजेपी वाले लोगों ने इस कदर उनके सिर में हिंदू मुस्लिम का जहर घोल दिया है कि कोई भी कैंडिडेट आ जाए मुस्लिम समाज से वो उतनी वरीयता नहीं पा पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर छलने का, वह माइंड को मोटिवेट करने का काम किया। तो मेरी नज़र में वो बेचारे आते भले इंसान हैं, लेकिन वो भी फिर हिंदू मुस्लिम ही होता, उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। चलिए, तो फिरोजाबाद की जनता को वोट करते समय, चूँकि अब चुनाव जो है वो अलग ही दिशा में जा रहा है, क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए? देखिए ऐसा है, मैं यहाँ की जो जनता है जो एक भगवान का रूप है जी, मैं जनता जनार्दन से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो आपके दुख सुख, आपकी अच्छाई बुराई, आपके विकास, आपकी जो भी गतिविधियाँ हैं उनमें आपके साथ बराबर का भागीदार रहे। आप जब उनसे मिलें तो मिलने पर आपको ऐसा ना लगे कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसमें हमारा अपमान है या सम्मान है। मेरा तो उद्देश्य इतना ही है कि मेरा जनता जनार्दन से अपील है कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाए, आपकी समस्याओं को, मूलभूत सुविधाओं को आपके कहने पर, आपके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करे और आपके बीच में रह के आपका काम करे। मैं इस तरह के जनप्रतिनिधि के लिए समाज से, जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसा जनप्रतिनिधि मिले जो तुम्हारे समय पर फ़ोन उठाए, घर पर जाओ तो सम्मान मिले, आपके मखौटे वाला नहीं चाहिए जी, जो चेहरे पर मखौटा लगाए, अगर 10 लोग जाओ तो आपको सम्मान मिले, अकेले जाओ तो आपको इतना धुतकार है कि आपके अंदर ये भीन भावना पैदा हो जाए कि हमें इस आदमी के पास आना नहीं है। ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ हैं, ऐसा धोखा ना खाएं जो जनता को बाद में छलने का और जनता को पश्चाताप करने का मौका। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से अगर कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा होता तो शायद बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर होती? देखिए मैं क्लियर कहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी किसी हिंदू कैंडिडेट को लाती तो निश्चित ही इस बार समाजवादी पार्टी का मेयर होता फिरोजाबाद से, क्योंकि इस बार जो भाजपा द्वारा जनता को महंगाई के ऊपर, जनता को बिल्डोजर के नाम पर, जनता को अनैतिक रूप से पुलिस का विभाग हो, बिजली विभाग हो या अन्य ऐसे विभाग हो जिसमें जनता को इतना परेशान, इतना तिरस्कृत किया गया है कि जनता अंदर ही अंदर दुखी है, और वो निश्चित ही हिंदू को नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट करती और समाजवादी पार्टी का विजयी होता। लेकिन अब जनता की मजबूरी है क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट हैं, क्योंकि भाजपा द्वारा जिस तरीके से खाई खोद दी गई है उस खाई को देखते हुए हिंदू वोट मुस्लिम समाज को नहीं करेगा, वो चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो। तो इसलिए निश्चित ही इन लोगों ने जो भी दल हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आपके समाजवादी पार्टी हो, चाहे AIMIM हो, चाहे अन्य कोई भी दल हो, इन लोगों ने
सीधा सीधा भाजपा को लाभ पहुंचाने का हिंदू कैंडिडेट खड़ा करके काम किया है और वो बहुत ही निंदनीय है। इस पर इन लोगों को पुनः विचार करना चाहिए और ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि भाजपा में बंटवारा हो और इन लोगों को लाभ हो। जी, तो आप जो चूंकि समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं, सर लगभग सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदू कैंडिडेट को लेकर आ रही है, तो जाहिर है कि जीत निश्चित है। देखिए, जीत के लिए तो ऐसा है कि अगर राठौर समाज को टिकट भाजपा नहीं देती है तो आप ये आंकड़ा लगा लीजिए कि राठौर समाज जो अपने आप में एक बहुतायत संख्या में जो निर्णायक वोट है वो फिर अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और हो सकता है कि वो समाज जो भाजपा का अब तक पक्का वोटर था वो हो सकता है क्रॉस वोटिंग करे, तो भाजपा की उसकी खामियां और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलिए, तो अग्रिम जो भी मेयर होगा उसको क्या क्या कमियां आप देखते हैं कि उसको सुधारनी चाहिए जो वर्तमान में कमियां रह गई हैं फिरोजाबाद में? देखिए, अग्रिम मेयर जो भी हो सबसे पहले तो वो जनता के बीच में जनता का काम करने वाला हो। जनता के किसी भी व्यक्ति को उससे मिलने के लिए ना तो लाइन में लगना पड़े, फ़ोन करे तो उसका संतुष्ट करे, जवाब उठाए, विकास के क्षेत्र में फिरोजाबाद को एक अच्छे स्तर पर लाए। फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा बीजेपी द्वारा दिया गया लेकिन स्मार्ट सिटी जैसी कोई सुविधाएं नहीं है, मात्र टैक्स के नाम पर, मात्र क्रॉस लाइट के नाम पर ठगी काम किया जाता है। तो इन चीज़ों से जनता को निजात दिलाए और एक जनता को फिरोजाबाद को एक नए फिरोजाबाद के रूप में देने का काम करें। मैं ऐसे प्रतिनिधि की कल्पना करता हूं कि जिसको जनता जनादेश से मिलकर सारे सकुशल फिरोजाबाद को बढ़ाने के लिए कार्य करनी चाहिए और उसी की अपेक्षा जनता भी करती है, जिससे कि उनको मूलभूत सुविधाएँ मिलें और जनता ऐसे कैंडिडेट को चले। ये भी मेरा जनता से निवेदन है कि आप बिल्कुल दृढ़ होकर ना किसी जातिवाद पर, ना किसी भावनाओं पर, ना किसी ऐसी चीज़ पर हिंदुत्व या हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ना करें, एक भले इंसान को वोट करें जिससे कि वो आपके बीच में रहकर आपका कार्य कर सके। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें MLA, ना MP, ना विधानसभा, ना लोकसभा का निर्णय हो रहा है, यहाँ पर मात्र अपना वोट अपने लिए हो रहा है। क्योंकि हमको ये वोट देकर हमारे बीच में रहने वाले व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो हमारा कार्य कर सके, MLA MP का हो, चाहे वो मोदी जी को दें, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को दें, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस वोट को वो अपने लाभ के लिए, क्योंकि ये वोट सीधा हमारे लिए है और हमारे विकास के लिए, तो हमारी बात सुनने वाला ऐसा प्रत्याशी हो जिसको जनता वोट करे और किसी भी जात पात किसी हिंदू मुस्लिम को ना देखते हुए वोट करे, अच्छे इंसान को वोट करे। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी को कोई संदेश या कोई नसीहत आप देना चाहें तो? मैं भाजपा को संदेश ये देना चाहूँगा कि भाजपा जिस तरीके की प्रक्रिया, जिस तरीके कार्य कर रही है वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं। जो पहले क्राइम हुआ करते थे, लोगों की निर्मम हत्याएं होती थी, उस पर अंकुश लगा है। लेकिन मैं एक नसीहत और देना चाहूँगा भाजपा को, अगर मेयर का टिकट फिरोजाबाद से अगर राठौर समाज को नहीं मिला तो भाजपा को बहुत बड़ा खामियाना भुगतना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो। मेयर में तो उनको जो भी प्रत्याशी लाएंगे उसके लिए उनको खामिया भुगतना ही है। तो मेरी नसीहत है भाजपा के लिए जी कि अगर कोई भी निर्णय करें तो उससे पहले 100 बार सोच लें। अगर वो राठौर समाज को टिकट देते हैं तो राठौर समाज सम्मान करेगा, अन्यथा उनको हरा कर उनको पश्चाताप करने का भी मौका नहीं देगा। मेरा ये भाजपा को, ये मान लीजिए निवेदन है और भाजपा को एक नसीहत है कि राठौर समाज को लाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू गोल्डी जी ने अपने विचार रखे, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कैसा लगा और क्या आप इस बारे में कहना चाहते हैं हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और अगर आप अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे जाहिर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।